तो भाई GTA San Andreas Definitive Edition के आने के बाद में काफ़ी लोगों ने गेम को खेला, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और बहुत मज़े किए। बट यार, जब तक गेम के अंदर कोई चिट्स ना हो या कोई मॉड पैक ना हो तो गेम का मज़ा जो है नहीं आता है। तो इस वीडियो में ले आया हूँ आप सभी के लिए GTA San Andreas Android Definitive Edition Netflix के लिए पूरा का पूरा चिट्स, यानी कि सारे की सारी चिट्स आपको जो है इस वाले एक वीडियो में मिलने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन्हीं चिट्स का जो है गेम प्ले दिखाने वाला हूं, किस तरीके से मैंने चिट्स को यूज किया और मैंने क्या क्या क्रेजी क्रेजी चीजें करी है गेम के अंदर। और एक बात कि यार, इस वीडियो में जो है मैंने कुछ ही चिट्स को जो है आपके सामने आपको दिखाया है, और अगर आपको चिट्स यूज करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के डाउनलोड कर सकते हो चिट्स वाले फाइल को, उसके अंदर आपको बहुत सारी जो है चिट्स देखने के लिए मिल जाएगी which you can use in your game। So, अभी हम वीडियो में चलेंगे और देखेंगे कौन कौन सी स्क्रिप्ट्स हमने चिट्स हमने यूज करी है गेम के अंदर और कैसे यूज करनी है वो भी दिखाने वाला हूं। बट बिफोर दैट, इफ यू डिड नॉट सब्सक्राइब यार, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, क्योंकि यार GTA San Andreas से वीडियोस तो आ ही रही है और उसके अलावा आगे जाके और भी GTA रिलेटेड वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूं। So, if you are GTA enthusiast, subscribe this channel and press the bell icon. Let's go. तो यार, सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने गेम अपना ओपन कर दिया है। मैं थोड़ा सेफ जगह चला जाता हूँ, ये लोग मुझे परेशान कर देंगे वरना। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे मैप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद में एक्सेसिबिलिटी में जा करके आपको दिख जाएगा एंटर चिट कोड, यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे आपको चिट डालना है। और चिट आप कैसे डालोगे, जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे हम कुछ लिमिटेड चिट्स को यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं डालूंगा। तो यहाँ पे मैंने डाला है हिसोयम, और हिसोयम को डालने के बाद में मैंने यहाँ पे ओके कर दिया है। यहाँ पे आप देखोगे ऊपर चिट एक्टिवेटेड लिखा आ गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा मनी यहाँ पे बढ़ चुका है। आप देख सकते हो मेरा जो मनी है यहाँ पे $250,000 आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल गए है। एंड उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो आपको आर्मर मिल चुका है, आपकी हेल्थ जो है और पूरी हो चुकी है। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आपकी हेल्थ कम है, आप इसको भी यूज कर सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी यार जो है हमारे पास में चिट्स है, हम उन्हें भी यूज करते हैं। हम क्लिक करते हैं अगेन मैप पे, हम जाते हैं यहाँ पे ऑप्शंस में एक्सेसिबिलिटी में, एंड उसके बाद में जाने के बाद में एंटर चिट कोड पे क्लिक करके हम यहाँ पे वेपन की चिट यहाँ पे एक्टिवेट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार कौन सी मैं यहाँ पे चिट लिख रहा हूँ, KJK एंड SZP फिर है जे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने चिट लिखा है, मैं यहाँ पे ओके करता हूँ एंड यहाँ पे चिट एक्टिवेटेड हो चुका है। अब यहाँ पे मैं गन मेन्यू पे क्लिक करूंगा एंड नाउ गाइस यू कैन सी मेरे पास सारी की सारी गन आ चुकी है जो कि पहले बिल्कुल नहीं थी, और मेरे पास पूरा का पूरा यहाँ पे जो है सब A to Z जो है गन आ चुकी है मेरे यहाँ पे गेम पे देख सकते हो कि सारी की सारी गन आ चुकी है। और यहाँ पे यार बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा गेम जो है हमारा एकदम से जो है चेंज हो गया है। आप देख सकते हो हमारे पास में हेल्थ भी है, साथ में हमारे पास में गन भी है, और यहाँ पे पुलिस आ गई है यार, हमें निकलना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ पे पुलिस आ गई है, इनको हटाने के लिए भी हम चिट को यूज़ करने वाले हैं। हम मैप पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद में हम अगेन ऑप्शंस में जाएंगे, एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे, एंटर चिट कोड पे क्लिक करेंगे एंड देन वी हैव टू यूज, अब हम यूज़ करेंगे कैपिटल लेटर्स में ASNAEB। ओके, यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको ओके करता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे चैट एक्टिवेटेड और हमारी जो वांटेड है यहाँ पे जा चुकी है, हमारी जो पुलिस लगी थी वो जा चुकी है, यानी कि ये वाला जो चिट थी वो थी डिक्रीज वांटेड लेवल की, और हमने सारे के सारे जो हमने पुलिस है उनको यहाँ पे रिमूव कर दिया है। IAVENNJNQ ओके, ये सुपर पंच की है। तो यहाँ पे हमारे पास में आ चुका है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो सुपर पंच हमारे पास आ चुका है, देखते हैं सुपर पंच काम करता है कि नहीं, पुलिस पर ट्राई करते हैं। तो अरे भाई सुपर पंच काम कर रहा है, देख सकते हो सुपर पंच काम कर रहा है गाइस, यहाँ पे सुपर पंच काम कर रहा है, और हम किसी को भी यहाँ पे मारेंगे तो भाई वो सीधा दूर जाके गिरेगा। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं एक्सप्लोडिंग कार्ड्स। ठीक है, एक्सप्लोडिंग कार्ड्स को हम यूज करने वाले हैं CPKTNWG ओके करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो सुपर कार्ड आप जितने भी देख सकते हो, जितनी भी कार्ड्स थी वो यहाँ पे एक्सप्लोड हो गई थी गाइस, दैट वॉज अमेजिंग, दैट वॉज रियली अमेजिंग गाइज।
ये जितनी भी कार्ड्स थी हमारे पास में वो सारे के सारे एक्सप्लोड हो गई थी। हम इस वाले चिट कोड को अगेन यूज़ करेंगे गाइस, ठीक है। हम जाएंगे यहाँ पे मैप में और हम जाएंगे ऑप्शंस में, एक्सेसिबिलिटी में जाके एंटर चीट कोड पे क्लिक करके हम बहुत सारी जो कार्ड्स को है अगेन यहाँ पे एक्सप्लोड करने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ लगती है कभी कभार। हम यहाँ पे जल्दी से लिख देते हैं, तो कोड हमारा था CPK और CPKENWT, ठीक है, ओके कर देंगे। ओ माय गॉड, ये क्या था यार, ये क्या है, यहाँ पे सब कार एक्सप्लोड हो गई है। नाइस, अब हम यूज़ करने वाले हैं गाइस फ्लाइंग कार, और फ्लाइंग कार यार मेरा फेवरेट है, क्योंकि यार हम अपनी गाड़ी को उड़ा सकते हैं, तो इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ तो और भी क्या ही हो सकती है यार, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है यूज़ करने वाले फ्लाइंग कार वाला चेट मेन्यू कैसे यूज़ करेंगे, लिखेंगे RIPAZHA, ठीक है। यहाँ पे हम चेट एक्टिवेट कर देंगे, और हम जैसे ही यहाँ पे अब अपनी कोई भी कार में यहाँ पे बैठेंगे, तो आप देखोगे कि हमारी जो है कार वो उड़ने लगेगी, ठीक है। हम एक बार ट्राई कर लेते हैं, हमारी कार उड़ रही है कि नहीं। जी हाँ, हमारी कार उड़ रही है। ओके ओके, हमारी कार थोड़ी सी नीचे गिर गई थी, बट हमारी कार एक्चुअली उड़ रही है। यहाँ पे हम अगेन इसको ट्राई करते हैं उड़ाने का। आई होप कि किसी टक्कर ना लगे। यार ये टक्कर बहुत लग रही है मुझे। एक बार मेरी गाड़ी अच्छे से उड़ जाए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर। ये उड़ गई है गाइज, ओ माय गॉड, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी कार उड़ रही है, लिटरली हमारी कार उड़ रही है। माँ कसम भाई, हमारी कार उड़ रही है, और ये बहुत अच्छे से उड़ रही है। आप देख सकते हो मैं इतने अच्छे से इसको कंट्रोल कर पा रहा हूँ। तो यार हमने GTA San Andreas डेफिनेटिव एडिशन को तो पूरा का पूरा चिट से भर दिया है, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस गेम को खेलने में। अभी आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे। तो यार अभी कार से उतरते हैं, कार से उतरने का टाइम है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे रेन आ रही है। हम इस वेदर को जो है कम्प्लीटली चेंज करने वाले हैं। कैसे चेंज करेंगे, मैप पे क्लिक करेंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, एक्सेसिबिलिटी में जा करके एंटर चिट कोड पे क्लिक करके यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे हॉट वाटर को की जो चिट है वो अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। कैसे करेंगे, कैपिटल में लिखेंगे ICPYH, ओके। ये चिट को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मैं इसको कॉपी भी कर देता हूँ। ओके करेंगे तो आप देखोगे तो हमारी चिट एक्टिवेट हो चुकी है, और यहाँ पे जो है वेदर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है गाइस। आप देख चुके हो जो बारिश आ रही थी वो यहाँ पे स्टॉप हो चुकी है, और इसी तरीके से हमने इस वाली चिट को भी फाइनली जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दिया है। दैट वेरी अमेजिंग। एंड गाइस अभी हम जो एक कार को यहाँ पे गेम के अंदर इंपोर्ट कराने वाले हैं, स्पॉन कराने वाले हैं। कैसे करेंगे, हम यहाँ पे मैप पे क्लिक करेंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद में यहाँ पे मैं चिट कोड को जो है पेस्ट कर दूंगा, ओके कर दूंगा। यहाँ पे आप देखोगे हमारे सामने एक यहाँ पे कार जो है इंपोर्ट हो चुकी है, और इस कार को हम चला सकते हैं। ये एक रेसिंग कार है भाई, बहुत तेज चल रही है। हमने फ्लाइंग वाली भी लगा रखी है स्क्रिप्ट, तो उससे भी मज़ा आ रहा है गेम में। नाउ वी विल इम्पोर्ट आर टैंक। हम टैंक को यहाँ पे इम्पोर्ट करने वाले हैं। टैंक के लिए कौन सी यहाँ पे चिट लगेगी वो देख लो। यहाँ पे मैप पे क्लिक करेंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, एंड एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद में यहाँ पे हम टैंक की जो है चिट लिखने वाले हैं। तो चिट है भाई AIWPRTON, ओके कर देंगे। यहाँ पे हमारे सामने चेट की जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने टैंक आ चुका है, और अब हम जो है इस टैंक को यूज कर सकते हैं। दैट्स रियली अमेजिंग गाइस, हमारे सामने यहाँ पे टैंक आ चुका है, एंड हम जो है टैंक के मजे ले सकते हैं पूरे गेम के अंदर, और ये बहुत अच्छी चीज़ है गाइज लिटरली। एंड नाउ गाइज हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं स्पीड अप इन गेम क्लॉक। हम अपने जो क्लॉक है उसको स्पीड अप करने वाले हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे मैप पे क्लिक करेंगे, अगेन ऑप्शंस पे जाएंगे, एक्सेसिबिलिटी में जाके एंटर चिट कोड पे क्लिक करके, और यहाँ पे मैं जो है चिट लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि है YSOHNUQL, ओके। तो ये हमारी जो है चिट है फास्ट क्लॉक की। मैं इसको ओके कर देता हूँ, चिट एक्टिवेट हो चुकी है गाइस फाइनली। और ऊपर आप देख सकते हो हमारा जो टाइम है वो यहाँ पे जो है स्टार्ट हो चुका है मूव करना, और बहुत ज़्यादा फास्ट यहाँ पे मूव कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे अभी हो चुकी है मॉर्निंग, और बहुत ज़्यादा मूव फास्ट कर रहा है ये। आप देख सकते हो हमारा जो टाइम है वो पूरा का पूरा चेंज हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट भाग रहा है। तो ये भी आप कर सकते हो, पूरा का पूरा जो आपका वेदर है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यानी कि आप सुबह शाम कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी चीज है। अब नाउ गाइस हम यूज करने वाले रूलर थीम को। थीम एक मुझे भी बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहा है, ऑल्दो मैंने इसको कभी यूज किया नहीं है। तो रूलर थीम को यूज करने के लिए चेट हम यूज करेंगे FVTMN
RPZ, ये रूलर थीम की आप देख सकते हो। यहाँ पे हमारे जो प्लेयर के कपड़े हैं वो बिल्कुल लूरल वाले हो चुके हैं। और एंड गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो हमें रूलर यहाँ पे थीम देखने के लिए मिल चुकी है। जी हाँ, तो यहाँ पे आप अलग अलग टाइप की जो है थीम्स को भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी थीम्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, बीच थीम एंड ऑल, बहुत सारी ऐसी जो थीम है आप यहाँ पे ले सकते हो बाय अप्लाइंग चेक्स। So I hope you like this video, and if you have any query, any suggestions, please give me in comment section, क्योंकि मैं comment के लिए हमेशा ready रहता हूँ, आपके comments हमेशा मैं उनका reply करता हूँ। तो I hope कि ये video अच्छी लगी होगी, लगी है अच्छी तो subscribe करके bell notification call पे जरूर कर देना। I'll meet you in the next video, and then bye-bye.